अच्छा छोटा है लेकिन वो वहाँ से सीख रहा है, याद रखे वहाँ से सीख रहा। अल्लाह फरमाता है कि उन्होंने नसीहत की, ऐ प्यारे बेटे कोई अमल अगर राई के दाने के बराबर भी होगा तो ख्वाह वो किसी घाटी में हो या आसमान में हो या ज़मीन में हो, अल्लाह ताला इसको हाजिर कर लेगा, बेशक अल्लाह ताला नहायती दकीक लतीफ़ बारीक बीन और बाखबर है हर आमाल से। तो यहाँ बच्चे को नसीहत की जा रही है कि तुम जो कुछ कर रहे हो यू आर कंटिन्यूसली मोनिटर्ड एंड वॉच्ड। बच्चों जैसा होता है ना, आप किसी प्रीमाइसिस में जा रहे, किसी इलाके में लिखा हुआ रहता है दिस प्रीमाइसिस इज़ अंडर CCTV सर्विलेंस, है ना, आप देखे जा रहे हैं। तो एकदम आदमी अंदर आते, बाल बाल सीधे, थोड़ा सा स्टाइल सीधा, और कुछ प्लान भी करके आता, नहीं कहते CCTV चल रहा सीधे रहो, होता है ना CCTV नहीं मत करो, ज़्यादा हंसो मत, ज़्यादा देखो मत, इधर वो मत करो, दांत मत साफ करो, वो मत खोलो, आ जाएगा रिकॉर्डिंग के अंदर। तो बच्चे को बताया जा रहा है बेटा तुम कुछ भी कर लो और कहीं भी कर लो। देखिए बड़ी अहम बात, नौजवान नस्लें ये समझ रही कि वालदेन से छुप के गुनाह कर लिए तो उसका कुछ नहीं होता। सिखाया जा रहा है बेटे कहीं भी जाओ, पत्थर के अंदर जाओ, पहाड़ में जाओ, आसमान में करो, ज़मीन में करो, राई के दाना, राई का दाना मिसाल के लिए इस्तेमाल होता, राई समझते ना, राई एक बहुत बारीक अचार के अंदर कभी दिखती होंगी, बारीक बार उतना भी करोगे तो अल्लाह लेकर आने वाला है, हाजिर करने वाला है, सामने लाने वाला है। तो मेरे बेटे जो करना सोच समझ के करना। तो आप जब बच्चों को ये बताएंगे, एहसास दिलाएंगे, बच्चों आप कंटिन्यूसली मॉनिटर्ड है, हर आमाल लिखा जा रहा है, हर चीज़ का दफ्तर रजिस्टर तैयार हो रहा है, और क़यामत के दिन उसमें ज़र्रा भी मिलने वाला है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम